भारत के उन सभी कंपनियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो भारत में हर एक दिन एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करती हैं, जिससे भारत में इंपोर्ट को अलग अलग तरीकों से रोका जा सके। एक काफी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत के डिफेंस सेक्टर से, जहां पर अब डिफेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले कई प्रकार के रॉ मटेरियल्स को इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। और भारत में इस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए चार बड़े प्लेयर्स ने आपस में हाथ मिला लिया है। इसमें शामिल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फाउंड्री एंड फोर्ज, सार लोहा एडवांस मटेरियल्स और भारत फोर्ज लिमिटेड, जहां पर इन सभी प्लेयर्स ने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जिससे भारत में डिफेंस सेक्टर के अलग अलग इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए जो भी स्टील इस्तेमाल किया जाता है उनके अलॉयज को बनाने का काम किया जाएगा। जहां पर भारत में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दो फेजेस में की जाएगी। पहले रॉ मटेरियल्स और स्टील की सप्लाई सार लोहा प्राइवेट लिमिटेड की यूनिट से की जाएगी। उसके बाद जैसे ही भारत के जितनी भी डिफेंस कंपनियां हैं सबके अंदर इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसके लिए एक नई यूनिट को एस्टैब्लिश किया जाएगा। आपको बता दें, हम जिस स्टील अलॉय की बात कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए कई एयरक्राफ्ट्स और कई एरोस्पेस के कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को तैयार करने का काम किया जाता है। दुख की बात यह है कि भारत में आज भी इन अलॉयज को अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट किया जा रहा है, और इसी निर्भरता को कम करने के लिए इन सभी कंपनियों ने आपस में पार्टनरशिप साइन की है, जिससे भारत में ही इस अलॉय को तैयार किया जाए। और आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि देश की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील आखिर इन अलॉयज को बनाने का काम क्यों नहीं करती। तो ऐसा नहीं है, टाटा भी इस स्टील अलॉय को बनाने का काम करती है, लेकिन उसका जो स्केल है वो काफी कम है। टाटा के स्टील बिजनेस कई अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज के लिए तैयार किए जाते हैं, और इस स्टील अलॉय की डिमांड भी इतनी ज्यादा नहीं है कि इसके ऊपर बड़े स्केल पर काम किया जाए। ऑलरेडी भारत में कई स्टील कंपनियां हैं जो इसको बनाने का काम करती हैं, और अगर बड़े प्लेयर्स इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो उन कंपनीज के खत्म होने की पूरी संभावना है, और ऐसा करना देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट पर एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ओवरऑल देखा जाए तो भारत के अंदर जितनी भी डिफेंस कंपनियां हैं सब ज्यादा ज्यादा कोशिश कर रही हैं कि हर एक चीज को इंडिजनाइज किया जाए। डिफेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन से लेकर के लगने वाले तार को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, जिससे हम 100% मेड इन इंडिया सभी चीजों को तैयार कर पाए। भारतीय कंपनी को इस बड़े प्रयास के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।